Namaste. Mr. Michael Bloomberg, distinguished guests, friends, global businesses, our economy. और उसका नर्व सेंटर यानी न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में आप सभी दिग्गजों के बीच आना मेरे लिए हर्ष का विषय है. ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम ने मुझे भारत की भावनाओं और संभावनाओं पर, भारत की अपेक्षाओं और उम्मीदों पर, भारत की ग्रोथ स्टोरी और भारत के फ्यूचर डायरेक्शन पर अपनी बात रखने के लिए अवसर दिया. इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं. साथियों, आज आप भारत में फिर उस सरकार को देख रहे हैं जो अपने 5 साल के काम को लेकर जनता के बीच गई और पहले से ज्यादा संख्या लेकर के जनता ने फिर से उसको सेवा का अवसर दिया. आप लोग अपनी बातचीत में अक्सर बिजनेस सेंटीमेंट की बात करते हैं. इस चुनाव में 130 करोड़ भारतीयों ने अपना सेंटीमेंट ही नहीं जताया बल्कि जजमेंट भी दिया है कि विकास ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. और यहां बैठे बिजनेस लीडर समझ सकते हैं कि विकास के पक्ष में यह सबल मैंडेट वास्तव में भारत में नए अवसरों को का एक प्रकार से ऐलान है. आज भारत की जनता उस सरकार के साथ खड़ी है जो बिजनेस एनवायरनमेंट सुधारने के लिए बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने में पीछे नहीं रहती. आज भारत में एक ऐसी सरकार है जो बिजनेस वर्ल्ड का सम्मान करती है, वेल्थ क्रिएशन का सम्मान करती है. साथियों, आपकी जानकारी में होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी करने का फैसला लिया है. ये निवेश के स्तर से बहुत क्रांतिकारी कदम है और इस फैसले के बाद मेरी बिजनेस वर्ल्ड में के जितने भी लोगों से बात हुई, जिनसे भी मुलाकात हुई, वो इसे बहुत ही ऐतिहासिक कदम मानते हैं. इस दौरान निवेश बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई फैसलों का ऐलान सरकार द्वारा किया गया है. हमने नई सरकार बनने के बाद अभी अभी 50 से ज्यादा ऐसे पुराने कानूनों को भी समाप्त कर दिया है जो विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं. मैं आपको फिर याद दिला दूं, हमारी नई सरकार को अभी 3-4 महीने से ज्यादा समय नहीं हुआ है. आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी लंबा समय आगे बाकी है. इस सफर में भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए ये पूरे विश्व के बिजनेस वर्ल्ड के लिए सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. फ्रेंड्स, टुडे इंडिया इज इन ए यूनिक पोजिशन वेर अवर रैपिड ग्रोथ एनेबल्स अस टू कैटर टू डाइवर्स डिमांड. अवर पीपल आर रैपिडली डिफीटिंग पॉवर्टी, मूविंग अप द इकोनॉमिक लैडर विथ इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर. Thus, if you want to invest in a market where there is a scale, come to India.
Our middle class is a huge segment of people who are aspirational and has a global outlook. Thus, if you want to invest in a market where the latest trend and futures are appreciated, come to India. Our youth are one of the largest users of the app economy. From food to transport, and from movies to hyper-local delivery, startups are acing everything. Thus, if you want to invest in startups with a huge market, come to India. Our infrastructure creation is expanding at a fast pace, from highways to metros, from railways to ports, from airports to logistics. Each sector is seeing massive investment and tremendous potential. Thus, if you want to invest in one of the world's largest infrastructure ecosystems, come to India. We are rapidly modernizing our cities and equipping them with latest technology and citizen-friendly infrastructure. Thus, if you want to invest in urbanization, come to India. We have opened our defense sector like never before. If you want to make in India, and for the world, come to India. We are building tens of millions of homes for the poor and middle classes. This is perhaps the largest housing efforts in the world. Thus, to invest in reality, come to India. साथियों, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज जितना हमारी सरकार निवेश कर रही है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। अब हम आने वाले वर्षों में 100 लाख करोड़, यानी लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा भारत के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लीप का रोडमैप जमीन पर उतर चुका है। अब भारत ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का। साथियों, जब 2014 में हम सरकार में आए थे, तो देश की इकोनॉमी करीब करीब 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी। बीते 5 वर्षों में हमने इसमें लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ दिया और हम कमर कसकर 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, करेज भी है और कंडीशंस भी हमारे साथ है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी के 4 अहम फैक्टर हैं जो एक साथ दुनिया में मिलने वाली शायद ये रेरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन है। ये 4 फैक्टर हैं, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड एंड डिसिसिवनेस। अगर मैं पहले फैक्टर की बात करूं, तो भारत में ऐसा मौका, ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कई दशकों के बाद आई है। जब डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल हो, ज्यूडिशरी इंडिपेंडेंट हो,
तो इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, सिक्योरिटी और ग्रोथ का भरोसा अपने आप मिलता है। फ्रेंड्स, इस ग्रोथ को बल मिलता है भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड से, यंग और एनर्जेटिक टैलेंट पूल से। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एजुकेशन बेस और सबसे मजबूत R&D फैसिलिटीज वाले देशों में से एक है। इनोवेशन को लेकर जो एनकरेजमेंट भारत के युवाओं को मिल रहा है, उसके कारण अमेरिका और चीन के बाद भारत यूनिकॉर्न्स के मामले में तीसरे नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है। फ्रेंड्स, तीसरा डिमांड का फैक्टर है। जैसे जैसे भारत की बड़ी आबादी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, पिछले कुछ वर्षों से एयर पैसेंजर्स ट्रैफिक की ग्रोथ डबल डिजिट में है, जिसके चलते आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड के साथ ही आज जो बात भारत को विशेष बनाती है वो है डिसिसिवनेस। एक डाइवर्स और फेडरल डेमोक्रेसी होने के बावजूद बीते 5 वर्ष में पूरे भारत के लिए सिमलेस, इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाएं तैयार करने पर बल दिया गया है। जहां पहले भारत में टैक्स का जाल था, वहीं अब GST के रूप में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम पूरे देश के बिजनेस कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। IPR एवं ट्रेडमार्क की रिजिम को मजबूत बनाने के लिए ही हमने काफी काम किया है। इसी तरह इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से निपटने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया, टैक्स से जुड़े कानूनों और इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर टैक्स को ग्लोबल टैक्स रिजिम के बराबर लाने के लिए हम जरूरी सुधार निरंतर करते रहेंगे। टैक्स रिफॉर्म्स के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन में भारत में बहुत कम समय में हुआ है। करीब 370 मिलियन लोगों को 370 मिलियन लोगों को बीते 4-5 साल में बैंकिंग से पहली बार जोड़ा गया है। आज भारत के करीब करीब हर नागरिक के पास यूनिक ID है, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट है, जिसके कारण टारगेटेड सर्विस डिलीवरी में तेजी आई, लीकेज बंद हुई और ट्रांसपेरेंसी कई गुना बढ़ी है। फ्रेंड्स, न्यू इंडिया में हमने डी रेगुलेशन, डी लाइसेंसिंग और डी बॉटलनेकिंग की मुहिम चलाई है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण हर ग्लोबल रैंकिंग में भारत निरंतर बेहतर प्रदर्शन करता जा रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 रैंक का जंप, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 13 अंक का उछाल, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 24 नंबर का सुधार और सबसे अहम वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 65 रैंक का सुधार अभूतपूर्व है, असाधारण है। और साथियों, आप सभी ये भी भली भांति जानते हैं कि ये रैंकिंग्स ऐसे ही नहीं सुधरती। हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर व्यवस्थाओं में सुधार किया है, नियमों को आसान बनाया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
पहले बिजली कनेक्शन लेने के लिए उद्योगों को कई साल लग जाते थे, अब कुछ दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन मिलने लगा है। इसी तरह कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में पहले कई हफ्ते लग जाते थे, अब कुछ ही घंटों में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बीते 5 वर्ष में क्या परिवर्तन आया, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बीते 5 सालों में भारत में 286 बिलियन एफडीआई हुआ है। ये बीते 20 साल में भारत के टोटल एफडीआई फ्लो का आधा है, 50% है। अमेरिका ने भी जितना एफडीआई बीते दशकों में भारत में किया है उसका 50% सिर्फ पिछले 4 साल में हुआ है। और ये तब है जब पूरी दुनिया में एफडीआई इनफ्लो लेवल लगातार कम हो रहा है। इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीब 90% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से हुआ है और 40% ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है। यदि आज इन्वेस्टर का भारत पर भरोसा बढ़ा है और वो लंबे समय के लिए आ रहा है, फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग की अपनी रिपोर्ट में भी भारत में आ रहे बदलाव की गवाह है। ब्लूमबर्ग के नेशन ब्रांड ट्रैकर 2018 सर्वे में भारत को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एशिया में पहला नंबर दिया गया है। 10 में से 7 इंडिकेटर्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, करेंसी स्टेबिलिटी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एंटी करप्शन, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिस्पेक्ट फॉर आईपीआर, इन सब में भारत नंबर 1 पे रहा है। बाकी इंडिकेटर्स में भी हम काफी ऊपर हैं। फ्रेंड्स, योर डिजायर्स एंड अवर ड्रीम्स मैच परफेक्टली। Your technology and our talent can change the world. Your skill and our skills can speed up global economic growth. Your prudent method and our pragmatic mind can write new stories in management. Your rational ways and our human values can show the path which the world is looking for. And if there is any gap anywhere, I will personally act as a bridge. Thank you. Thank you very much.